तो देखो फ्रंट की जो ब्रेक है वो, बट अगर आप केवल रियर ब्रेक अप्लाई करते हो, देख सकते हो आपको काफी बड़ा सा हैलोजन हेडलैम्प मिलता है। यहाँ पे जो मैं बात करूंगा वो इसके जो ग्लिच है उसके बारे में बात करूंगा। सो हे बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल के फिर से एक नए फ्रेश व्लॉग में। एंड आज के इस व्लॉग में आप अभी हमारे सामने देख सकते हो हमारी बजाज पल्सर 125 BS6, जिसको अभी हाल ही में हमने परचेस किया है। लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं इसको परचेस किए हुए, एंड 3700 किलोमीटर के आसपास हमने इसको चला दिया है। एक बार मीटर में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 3719 किलोमीटर हमारी जो बाइक है वो चल चुकी है। एंड आज के इस व्लॉग में हम आपको इसका जो है ओनरशिप रिव्यू देने वाले हैं, जिसके इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं कि 4 महीने चलाने के बाद और 3700 किलोमीटर को ट्रैवल करने के बाद हमें कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब क्या क्या अच्छाइयाँ लगी, क्या क्या बुराइयाँ लगी। एंड आप भी अगर इस बाइक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन रखते हो या फिर आप इस बाइक को परचेज करने जा रहे हो और थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आज के इस व्लॉग में हम जो है इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं फटाफट से वीडियो के स्टार्ट एंड आपको इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताते हैं। एंड एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हम किसी तरह से कंपेयर नहीं करने वाले हैं कि दूसरी बाइक में ये मिलता है आपको तो इस बाइक में ये नहीं मिलता है, मतलब जैसे एलईडी हेडलैम्प बहुत सारी बाइक्स में आता है इसमें नहीं आता है, तो वो सारी चीजें के लिए हम जो है एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उस पर हम कंपैरिजन करेंगे कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इस बाइक में हम ओनर का जो है एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि ओनर के हिसाब से अगर आप इस बाइक को परचेस करते हो तो आपको क्या अच्छाइयां मिलने वाली हैं एंड क्या बुराइयां मिलने वाली हैं। तो चलिए करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके लुक्स एंड डिज़ाइन से। तो इस बाइक का जो लुक है वो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैंने पहले भी बताया है इस बाइक को परचेज़ करते वक्त कि ये बाइक मैंने क्यों परचेज़ की थी, क्योंकि यहाँ पे जो लुक है इसका, इससे ज़्यादा मस्कुलर लुक एंड डिज़ाइन आपको 125cc सेगमेंट में कहीं पर भी नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आप इसको देखो तो ये सेम 150 के स्ट्रक्चर पर बनी बाइक है, मतलब जो 150 आती है सेम वही बाइक है। अगर आप बैजिंग पर ध्यान ना दो तो आपको एक नज़र में देख के आप बता भी नहीं पाओगे कि ये जो है 125cc की बाइक है। मतलब लोग अक्सर इसको जो है देख के यही बोलते होंगे कि 150cc की बाइक है। अगर आप रेडर 125 उठाओ या फिर जो है एसपी 124 उठाओ या फिर हीरो कोई भी बाइक उठा लो तो आपको इतना ज़्यादा मस्कुलर लुक नहीं मिलता है। अब इसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एडवांटेज क्या मिलता है, अगर आप इस बाइक को हाईवे पर लेके जाते हो तो आपको बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी मिलने वाली है, बहुत ही अच्छे से इंजन इसका रिफाइंड की तरह चलेगा, मतलब कहीं से भी आपको कोई वाइब्रेशन नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसका जो वेट है वो 142 kg है और जो दूसरी बाइक्स हैं वो 120 से 122 kg तक ही आती हैं, तो हाईवे पर स्टेबिलिटी लूज़ होती है उनकी, इसकी नहीं होती है। ये तो हो गया एडवांटेज। अब इस हैवी वेट के जो है डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में बात कर ले। तो यहाँ पे आपको जो इंजन मिलता है वो 125cc का मिलता है एंड इसका जो पावर है वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है इसको वेट के देखते हुए, तो सिटी में आपको ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगेगा। अगर आप जो है मतलब जल्दीबाजी में चलाते हो जिगजैग करके या फिर आपको इनिशियल पिकअप चाहिए होता है तो ये बाइक आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगी इसके इंजन से, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है पावर थोड़ी सी कम मिलती है एंड इसका वेट ज़्यादा है। तो अगर आप पिलियन के साथ हो या आपने कोई हैवी सामान रखा है या फिर आपका वेट भी ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेज़ी फील होगा इस बाइक के साथ, मतलब बाइक थोड़ा सा लेज़ी परफॉर्म करेगी, बहुत ज्यादा थ्रॉटल देना पड़ेगा और उस कंडीशन में आपको यही लगेगा कि ये जो बाइक है जान निकाल ली है। बाकी इंजन का रिफाइनमेंट ऑल ओके है, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली है, मतलब रिफाइनमेंट के मामले में 70-80-100 चलाओ, वाइब्रेशन वगैरह कहीं भी आपको जो है फील नहीं होते हैं इसके वेट की वजह से। अब बात करते हैं इसके डिस्क ब्रेक के बारे में कि यहाँ पे हमें जो इसकी ब्रेकिंग है वो कैसे मिलने वाली है। तो देखो फ्रंट की जो ब्रेक है वो बहुत ही ज़्यादा सही है गाइज, मतलब फ्रंट की ब्रेक में मुझे कोई कमी नहीं लगी, 10/10 स्कोर करती है। बट रियर ब्रेक की तरफ अगर हम आएंगे तो रियर ब्रेक को जो है इसमें ड्रम मिलता है, मतलब यहाँ पे आपको फ्रंट में जो है डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिलता है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिया जाता है, तो ब्रेकिंग तो ऑल ओके मिल जाती है। बट अगर आप केवल रियर ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपको जो है थोड़ी सी जो है ब्रेकिंग कम मिलने वाली है, मतलब अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो आपको जो है 10 से 12-15 मीटर के बाद ही ये बाइक जो है स्टॉपिंग पावर देगी। तो बजाज को यहाँ पे ये थोड़ी सी इंप्रूव करनी चाहिए थी, क्योंकि रियर ब्रेक बहुत ज़्यादा खराब है इसका। इसके लिए अगर मैं स्कोरिंग देना चाहूँगा तो 10 में से 4 ही स्कोर देना चाहूँगा, तो बजाज को इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। अब ये मेरी बाइक में है या किसी और की बाइक में भी है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर ड्रॉप करना। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी यार देखो ऑल ओके है, मतलब फाइबर वगैरह को लेके आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, फाइबर की क्वालिटी बहुत सही है, मेटल भी बहुत सही रखा गया है, मतलब ये काउल्स वगैरह में भी कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं आते। बट आते हैं पेंट की क्वालिटी की तरफ, तो यहाँ पे आपको 50-50 का रेशियो देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पे देखो स्क्रैचेस पड़ना अभी तो स्टार्ट हो चुके हैं, तो मतलब अगर आप इसको जो है डेली यूज़ में लेने वाले हो तो आपको इस पर जो है PPF वगैरह कराना पड़ेगा, हम भी अभी कराने वाले हैं, क्योंकि अगर इसी तरह रहा तो ये 3-4 साल बाद तो यार यहाँ पर पूरा जो है इसका पेंट ही उखड़ जाएगा, फिर देखने में काफ़ी ज़्यादा खराब लगेगा और आफ्टर मार्केट हमें पेंट कराना पड़ेगा। बाकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, मतलब बिल्ड क्वालिटी में और कोई कमी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। अब आते हैं सीट की तरफ कि इसकी सीट की जो कंफर्ट है या राइडिंग पोस्चर है वो
कैसा है। तो भाई राइडिंग पोस्चर और सीट का कंफर्ट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलेंगे जो कि इस सेगमेंट में आपको किसी भी बाइक में नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पोर्टी फील आने वाला है। साथ ही यहाँ पे जो इसका राइडिंग पोस्चर है वो पूरी तरह से अपराइट रहता है। हल्का सा आप जो है बाइक के हैंडल की तरफ लीन रहते हो। कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा सही रखी गई है। यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलती है तो देखने में तो ये लग रहा होगा कि भाई राइडर के लिए कंफर्टेबल होगी, क्योंकि यहाँ पे राइडर के लिए काफ़ी सारा स्पेस दिया हुआ है बट पिलियन के लिए थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। तो सीट की कंफर्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे राइडर और पिलियन के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस है। पिलियन भी अच्छे से बैठ सकता है, राइडर भी अच्छे से बैठ सकता है। बट यहाँ पे एक जो डिसएडवांटेज इसका निकल के आएगा या ड्रॉबैक निकल के आएगा या कॉन्स निकल के आएगा वो ये आएगा इसकी ग्रैब हैंडल्स की तरफ। यहाँ पे आपको स्प्लिट ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, मतलब पूरे वाले नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे जो पिलियन है वो अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाता है किसी तरह से, क्योंकि जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम दिया गया है पकड़ने के लिए, तो जिसकी वजह से पिलियन का जो वेट है वो तो पूरी तरह से राइडर पे आ जाता है और राइडर फिर अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो अगर आप ये बाइक परचेज करते हो तो यहाँ पे पिलियन को थोड़ा सा कष्ट होने वाला है। बाकी अब बात करते हैं इसके जो हेडलैम्प है उसके बारे में, तो यहाँ पे भी अपना जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा मिक्स रहने वाला है, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सिटी में तो ऑल ओके है। देख सकते हो आपको काफी बड़ा सा हैलोजन हेडलैम्प मिलता है, बट यहाँ पे अगर आप हाईवे पे लेके जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा लाइट्स की जरूरत पड़ेगी। लो बीम पे तो विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा डाउन है, बट अगर आप हाई बीम पे देते हो तो आपको ओके ओके जो है परफॉर्मेंस मिल जाती है। बट अगर आप जो है लॉन्ग राइड वगैरह करते हो तो आपको जो है इसमें हल्का सा अलग से जो है फॉग लाइट वगैरह इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। अभी हम भी करवाएंगे। गाइस थोड़ी सी बाइक गंदी है अपनी, क्योंकि अपने शहर में लगातार बारिश हो रही है। अभी एक घंटे पहले बारिश हुई और धूप देखो कितनी तेज निकली है। मतलब बाइक धुलवाओ, धुलवाने के एक घंटे बाद बारिश हो जाती है, फिर गंदी हो जाती है बाइक, तो इसीलिए हमने धुलवाई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, अब सर्विस पे जाने वाली है कुछ दिनों के बाद, तो वहीं पे ये धुले धुलेगी। बाकी टायर के बारे में बात करें तो टायर का जो फीडबैक है वो बहुत ही सही है। 80/100 सेक्शन का यहाँ पे टायर मिलता है, मतलब फ्रंट में, तो आपको स्टेबिलिटी काफ़ी सही मिलती है। मतलब कॉर्नर्स वगैरह हमने इसको लीन किया है, वेट सड़कों भी चलाया है, तो रेयर एंड फ्रंट दोनों ही टायर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। कहीं से भी बाइक ने स्टेबिलिटी नहीं खोई है, कहीं से स्किट नहीं खोई है, लीन वगैरह करते हो तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी सस्पेंशन के बारे में बात करें तो रियर वाले सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा स्टिफर साइड पे हैं एंड फ्रंट वाले जो है वो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे हैं। बट यहाँ पे अगर आप पिलियन के साथ राइड करते हो तो दोनों ही सस्पेंशन बहुत ही अच्छे से ट्रैवल करते हैं, बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं। छोटे मोटे पॉट होल्स तो बिल्कुल भी नहीं पता चलते, बट अगर आप हायर स्पीड पे हो, 70-80 की स्पीड पे हो, तो अगर कोई बड़ा पॉट होल आता है तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी जो है दिक्कत होने वाली है। तब आपको जो है झटके फील होने लगते हैं अगर बहुत ज़्यादा ख़राब सड़क है तो यह ध्यान में रखना कि अगर आप बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में हो तो आपको थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम होने वाली है। सो गाइस अब आ जाते हैं इसके मीटर कंसोल की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको किसी तरह से कंप्लेंट नहीं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे एनालॉग प्लस डिजिटल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जहाँ पे सारी बाइक्स आपको जो है डिजिटल मीटर प्रोवाइड कर रही हैं और उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, गियर पोजीशन इंडिकेटर फलाना ने का, वो सारी चीज़ें हम आपको नहीं बताने वाले हैं। जहाँ पे जो मैं बात करूँगा वो इसके जो ग्लिच हैं उसके बारे में बात करूँगा। तो इसमें बहुत बड़ा ग्लिच है, जैसे मैंने देखो अभी मीटर कंसोल ऑन है, अब इसको मैं ऑफ करूँगा तो 2-3 सेकंड बाद जो है ये मीटर ऑफ होता है, और ऑन करूँगा तो देखो कितनी देर के बाद इसमें पूरी सारी चीज़ें आएंगी। तो ये थोड़ा सा लेजी लगा मेरे को, यहाँ पे बजाज को थोड़ा सा अपडेट देना चाहिए, इसको थोड़ा और फास्ट करना चाहिए। अगर मैं जल्दी से बंद करके ऑन ऑफ करके ऑन कर दूंगा तब ये ऑफ जो है होगा ही नहीं। ये देखो ये सारी चीज़ें थी जो इस बाइक को अभी तक चला के मेरे को लगा। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आप अगर ये बाइक ऑन करते हो तो आपको क्या एडवांटेज लगा, क्या डिसएडवांटेज लगा। और हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत से कमेंट्स आते हैं इसके माइलेज को लेके कि इसमें हमें माइलेज कितना मिलता है। तो माइलेज के बारे में अगर हम बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे हमें 45 से 50 का माइलेज क्लेम करती है ये बाइक। मतलब भैया चलाते हैं, उनका जो रन रहता है वो सिटी एंड हाईवे मिक्स करके रहता है, तो वो जब भी बाइक लेके जाते हैं तो उनका, मतलब मैंने कई बार उनसे पूछा, बोले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है सारी चीज़ें। और माइलेज को जब भी मैं पूछता हूँ तो वो यही बताते हैं कि इसमें हमें 45-50 का माइलेज मिल जाता है। और एक तरह से देखा जाए तो 125 सीसी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आजकल की जो बाइक्स आ रही हैं उनका 70+ माइलेज मिल रहा है। चाहे आप रेटर उठा लो, रेटर भी 60-65 दे देती है, एसपी 125 की तो बात ही छोड़ दो यार, वो तो 70 से नीचे देती ही नहीं है। ओनरशिप रिव्यू में मैंने शेयर किया था, जिसका ओनरशिप लिया था उसने भी बताया था ये सारी चीज़ें। तो अगर आप इस बाइक को लेने वाले हो और आप सोच रहे हो कि इसमें माइलेज हमें बहुत अच्छा मिल जाएगा, तो आपको माइलेज इतना ज़्यादा खास नहीं मिलने वाला, 45-50 का माइलेज ही मिलने वाला है। अगर आप अच्छे बंदे, मतलब एकदम सज्जन व्यक्ति की तरह चलाते हो, तो अगर आप जो है बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ राइड करते हो तो आप भाई 35-40 ही भी एक्सपेक्टेशन रखना, तो 35-40 ही देगी। तो अगर आप इस बाइक को माइलेज के लिए लेना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप डेफिनेटली होंडा एसपी 125 के साथ जा सकते हो, या फिर रेडर के साथ जा सकते हो, या हीरो की कोई भी बाइक उठा लो, तो वहाँ पे आपको माइलेज 10-15 का माइलेज ज़्यादा मिल जाएगा।
तो माइलेज के लिए डेफिनेटली आप इस बाइक के साथ मत जाना। बट हाँ, अगर आप हाईवे पे चलते हो और हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस पे इसको जज करते हो तो भाई बहुत ज़्यादा ओपी बाइक है। तो गाइस जो भी अच्छाइयाँ थी, जो भी कमियाँ थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। एंड अगर आप भी ये बाइक ओन करते हो, आपको भी कुछ पता है इस बाइक के बारे में जो मैंने ना बताया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो ताकि मुझे भी पता चले और मैं उसको भी चेक कर सकूँ। एंड जो लोग हमारी बाइक्स को रिव्यू देखते हैं, मतलब वीडियोस देखते हैं, वो कमेंट पढ़ते हैं, तो उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। बाकी चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलता है, हमको मोटिवेशन मिलता है। एंड अभी हमने हाल ही में 4000 सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन है वो अचीव किया है, मतलब अपनी ब्रो सेना जो है वो 4000 हो चुकी है। बाकी आगे भी बढ़ाते रहो, ऐसे प्यार सपोर्ट दिखाते रहो। तो मिलते हैं ऐसी किसी बड़े से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड आउट, राइड सेफ।